हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। यहाँ पे आज आपके साथ में बात करने वाला हूँ 13 ऐसे फूड के बारे में कि जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी 13 चीजें हैं फ्रेंड्स के जिनका हम हमारे खाने में अगर रेगुलर शुमार करें तो वो हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। आजकल लोग इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तरह तरह के काढ़े पी रहे हैं, तरह तरह की चीजों का सेवन कर रहे हैं। कोई विटामिन सी की गोली ले रहा है, कोई विटामिन सी एंड जिंक की टेबलेट्स ले रहे हैं और काफी ऐसी चीजों का हम सेवन कर रहे हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो और हम और हमारी पूरी फैमिली वायरल इन्फेक्शन से या कोई भी टाइप के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके। तो इस वीडियो में मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ 13 ऐसे फूड, 13 ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप अपने खाने में शुमार कर लें तो आपकी इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट हो पाएगी और आपको कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन इजीली नहीं हो पाएगा। आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी तरीके से बूस्ट हो पाएगी, आप अपने आप को पेंडेमिक के इस समय में अच्छे तरीके से बचा के रख पाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन से ऐसे 13 चीजें हैं, कौन से ऐसे 13 फूड है कि जिनका अगर हम रेगुलर सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी बेहतरीन तरीके से बूस्ट होगी। सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी हमें लेना चाहिए। विटामिन सी के अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो विटामिन सी के नेचुरल सोर्स में हमें हमारे खुराक में रेगुलर ऑरेंजेस, लेमन और स्वीट लाइम यानी कि संतरा, मौसम्बी और नींबू का सेवन हमें रेगुलर करना है। दोस्तों हम पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं उसमें हम नींबू अगर पूरे दिन में अगर एक ग्लास पानी में सुबह उठकर एक नींबू को निचोड़ के पी ले तो भी हमारे शरीर को एक दिन में जितने विटामिन सी की जरूरत है वो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पूरे दिन में एक ऑरेंज या एक स्वीट लाइम भी खा लेते हैं तो पूरे दिन का विटामिन सी हमारी बॉडी को प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी। उसके बाद आप दूसरी चीज का सेवन कर सकते हैं गार्लिक। गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन में बेहतरीन और पर्याप्त मात्रा में सल्फर पाया जाता है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक द्रव्य पाया जाता है जो हमारे इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। लहसुन में जिंक भी पाया जाता है और जिंक की वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होती है। आयुर्वेद के हिसाब से लहसुन को कफ और वात नाशक कहा जाता है। तो लहसुन का सेवन अगर हम रेगुलर करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली 13 चीजों में तीसरे नंबर पे आता है जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। जिंजर का आप रो फॉर्म में सेवन करें या जिंजर का आप जूस निकाल के यानी कि अदरक का रस निकाल कर आप उसका सेवन करें, आप दोनों तरीके से उसका सेवन कर सकते हैं। अदरक को अदरक की टुकड़ी करके उसकी छोटे छोटे पीसेस करके आप उसको खा भी सकते हैं और उसका आप रस निकाल के भी पी सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अदरक भी एक बेस्ट वायु और कफ नाशक दवाई है और अदरक के अगर हम गुणों के बारे में बात करें तो ये एक एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि शरीर के अंदरूनी भाग में कहीं भी सूजन है तो वो उसको दूर करने का काम करता है। उसके अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट है यानी कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की वजह से जो सेल्स खराब हो जाते हैं उन सेल्स को रिपेयर करके ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अगर हमारा गला खराब है तो हम अदरक का जूस निकाल के उसकी एक चम्मच अगर पी लेंगे तो सोर थ्रोट भी हमें ठीक हो जाएगा। यानी अदरक एक बेहतरीन औषधि है और अदरक एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर फूड भी है। चौथे नंबर पे इम्यूनिटी बूस्टर फूड की लिस्ट में ब्रोकली का समावेश होता है। ब्रोकली आप सब लोगों ने देखा होगा और हमारे शहर में इजीली अवेलेबल हो जाता है ब्रोकली। ब्रोकली का आप सलाद के स्वरूप में खाने के साथ लंच में आप अच्छी तरीके से उसका सेवन कर सकते हैं। ब्रोकली का आप सूप के स्वरूप में भी, ब्रोकली का सूप बना के भी उसका आप सेवन कर सकते हैं। ब्रोकली हाई प्रोटीन है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और उसमें फाइबर का प्रमाण बहुत ज्यादा है और ब्रोकली में विटामिन ए, सी और ई बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर फूड की लिस्ट में चौथे नंबर पे जो चीज है वो है स्पिनाक यानी कि पालक। पालक का सेवन आप सूप के स्वरूप में कर सकते हैं, पालक की भाजी को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और पालक का सेवन करने से ये पालक भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और पालक में विटामिन सी, ई और ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले फूड में पांचवें नंबर पे पालक का समावेश होता है। इम्यूनिटी बूस्टर फूड में सिक्स यानी कि छठे नंबर पे आता है टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी एक बेहतरीन औषधि है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है। आयुर्वेद के हिसाब से हल्दी जो है ये परम वात कफ नाशक है, वायु और कफ का नाश करने वाली औषधि है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का द्रव्य पाया जाता है जो एक एंटी इंफ्लामेटरी द्रव्य है यानी कि शरीर के अंदरूनी भाग में कहीं भी सूजन है, कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी प्रकार का घाव है उसको हील करने का काम, कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है उसको भी रोकने का काम टर्मरिक करता है।
उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर फूड की श्रेणी में सातवें नंबर पे आते हैं एलमंड्स। एलमंड्स यानी कि बादाम। अपने फूड में बादाम का सेवन आप रेगुलर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, रोज रात को 3 से 5 बादाम को 1 कप पानी में भिगो दे, सुबह उठ के उस पानी को निकाल दे और वो बादाम के छिलके आप निकाल के उसको पील करके उसको बादाम को आप खा सकते हैं। बादाम में विटामिन ई प्राप्त होता है। विटामिन ई के साथ साथ उसमें से मैंगनीज, मैग्नीशियम और बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये 7 चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद 8वें नंबर पे इम्यूनिटी बूस्टर फूड की श्रेणी में पाया जाता है जो फूड है वो है पपाया। पपाया एक बहुत अच्छा फ्रूट है जो विटामिन सी से भरपूर है। पपाया में पापाइन एंजाइम्स होते हैं जो एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि अंदरूनी भाग में सूजन को कम करते हैं। उसमें पोटेशियम और फोलेट भी ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन बी का भी बहुत अच्छा सोर्स है पपाया। उसके बाद 9वें नंबर पे आता है ग्रीन टी। आप अपने फूड में रोज दोपहर को 4 से 5 बजे के करीब एक ग्रीन टी का सेवन रेगुलर कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर फूड की लिस्ट में 9th नंबर पे ग्रीन टी आता है। ग्रीन टी में एमिनो एसिड्स मिलते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पे आता है इम्यूनिटी बूस्टर फूड की श्रेणी में रेड बेल पेपर्स। रेड बेल पेपर्स हम सब लोगों ने देखे हुए हैं। रेड बेल पेपर्स विटामिन सी का एक बेस्ट सोर्स है जिसको हम दोपहर को खाने के साथ सैलेड्स के स्वरूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पे आता है सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज को आप 8 से 10 या 15 बीज के करीब आप रोज रात को 1 कप पानी में भिगो के सुबह उसका पानी निकाल के उसको सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर फूड है जिसमें विटामिन B6, फॉस्फरस और मैंगनीज पाया जाता है जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी तरीके से बूस्ट होती है। इम्यूनिटी बूस्टर फूड की श्रेणी में 12वें नंबर पे जो फूड है वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का भी आप सलाद के स्वरूप में या सब्जी के स्वरूप में सेवन कर सकते हैं जिसमें बीटा कैरोटीन मिलता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए से भरपूर है दोस्तों। तो स्वीट पोटैटो का सेवन आप अपने खुराक में रेगुलर करें। और दोस्तों उसके बाद लास्ट इम्यूनिटी बूस्टर फूड है वो है पम्पकिन जूस। ये मेरा फेवरेट जूस है। आप पम्पकिन का जूस यानी कि पम्पकिन जिसे हम कुष्मांड यानी कि कद्दू कहते हैं, कद्दू का जूस आप रोज सुबह थोड़ा सा कद्दू लीजिए 50 ग्राम जितना, उसके छोटे छोटे पीस करके उसको मिक्सर में ग्राइंड करके उसका आप जूस निकाल के छान के एक ग्लास पम्पकिन का जूस आप सुबह खाली पेट उसका सेवन कर सकते हैं। पम्पकिन का जूस अपने आप में एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है। हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे लीवर को अच्छी तरीके से डिटॉक्स करके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को, सारे कचरे को बाहर निकाल के हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है ये कद्दू का जूस, ये पम्पकिन का जूस। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में पम्पकिन को कुष्मांड कहा जाता है और आयुर्वेद में भी इसको एक बहुत अच्छा फूड माना जाता है। तो आज मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों 13 ऐसे फूड बताए कि जिसका सेवन आप रेगुलर करें आपके खुराक में, आपके डेली रूटीन में इन 13 चीजों का आप समावेश करें और अपनी इम्यूनिटी को बेहतरीन तरीके से बूस्ट करें। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करें। हमारे इस चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जल्द से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।